अच्छा, जहाज के साथ साथ और क्या क्या दिखा? और स्विट्जरलैंड से जो आदमी लोग आए हैं उनको देखे, और जर्मनी के भी। 12.5 लाख रुपया के आसपास टिकट का दाम है एक आदमी का। एक आदमी, हाँ, पति पत्नी 25 लाख। बिहार के लोग उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, और बिहार का छवि बदनाम करने के लिए बॉलीवुड में गाना गाया जाता है कि आइए ना हमारे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा का। पर्यटन मंत्री होते हैं, पता नहीं वो कौवा उड़ चिड़िया उड़ क्या खेलते रहते हैं, समझ। दावे के साथ कहता हूँ कि 5 से 6 लाख लोगों को रोजगार बिहार में ही मिल जाएगा। जहाज जो है बिहार से खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। शराबबंदी की तरह चुप हो गई है कि कुछ नहीं बोलेंगे, चालू है कि बंद है। तुम अपना गरीबी दूर करना चाहते हो ना, तो तुमको पढ़ना होगा और ईमानदारी पूर्वक। सरकारी में क्या व्यवस्था है? सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, ये तीन जगह, ये चचवा में जो है अभी जोश ज्यादा। बिहार में किसी दूसरे राज्य के लोगों को मारा पीटा गया है आज तक? ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ आज तक। इतिहास उठा के देख लेना। यहाँ पे क्यों आई हैं आप? जी, मैं यहाँ पर बॉर्डर को देखने के लिए हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाज को बनारस से जो छोड़ा था, पेपर में मैंने पढ़ा था कि वो गांधी घाट आने वाली है, इसलिए मैंने उन्हें देखने के लिए आई हूँ। सिटी में भी पढ़ा था कि सिटी जहाज रुकेगी, उसी को देखने के लिए मैंने हूँ। मैंने जहाज को देख लिया है। आपने जहाज को देख लिया है? देख लिया है। और आपने देखा कि नहीं देखा? हमने भी देखा। अच्छा, जहाज के साथ साथ और क्या क्या देखा? और स्विट्जरलैंड से जो आदमी लोग आए हैं उनको देखे, और जर्मनी के भी आए हैं। जर्मनी के भी? हाँ। तो लेकिन यही है कि आम आदमी नहीं घूम सकता है उस पर। नहीं घूम सकता है? क्यों नहीं घूम सकता है? ये पहला ट्रिप था, अगला ट्रिप जब उसका टिकट आप कटाएंगे तो आप भी घूम सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं। लेकिन उसका टिकट का दाम जो है थोड़ा महंगा है, 12.5 लाख रुपया के आसपास टिकट का दाम है एक आदमी का। एक आदमी, हाँ, पति पत्नी 25 लाख रुपया से ऊपर हो जाएगा। अभी तो 50 लाख में, 52 लाख प्लस में है। कहते 52 लाख। कहीं कहीं अलग अलग जानकारी दिया गया है और अलग अलग। हाँ, एक्चुअली में इसका क्या रेट है? जो एक दिन का, एक दिन का 25,000 रुपया एक्चुअल में रेट है, और दो आदमी अगर जाएंगे तो 50,000 रुपया हो जाएगा। अच्छा, दिखे कि नहीं कोई? हाँ दिखे सर। अच्छा, कौन कौन से लोग दिखे? जापान के देखे, इंग्लैंड का देखे। देखे नमुआ पता है उन लोगों का? नहीं सर। ये देखिए, जब विदेशी पर्यटक आते हैं तो बिहार के लोग उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, और बिहार का छवि बदनाम करने के लिए बॉलीवुड में गाना गाया जाता है कि आइए ना हमारे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा का पार में। ऐसा गलत है, गलत। कहीं नहीं तो कहीं। देखिए, ये हम जितना बढ़िया से स्वागत हम विदेशी का यहाँ पे किए हैं, हालांकि सवाल अनेकों है कि उनके लिए जो है इतना बढ़िया व्यवस्था, तो फिर हमारे बच्चों के लिए इतना बढ़िया व्यवस्था क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें हम लोग करेंगे कि विदेशी पर्यटकों के स्वागत में अगर बिहार के इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े लोग और इतने सारे लोग जो है खड़े हो सकते हैं, तो फिर बॉलीवुड वाले बिहार की छवि क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों ऐसा गाना गा रहे हैं कि आइए ना हमारे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा का पार में? कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और शायद जो है जितना बढ़िया से स्वागत जो है बिहार की राजधानी पटना में जो है ये विदेशी पर्यटकों का हमने किया, शायद उनका इतना बढ़िया से स्वागत किसी ने नहीं किया होगा। तो हम स्वागत कर रहे हैं, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। बस बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पर्यटन मंत्री होते हैं, पता नहीं वो कौवा उड़ चिड़िया उड़ क्या खेलते रहते हैं, समझ में नहीं आता है। सिर्फ पर्यटन का प्रॉपर तरीके से बिहार में बढ़ावा मिल जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 से 6 लाख लोगों को रोजगार बिहार में ही मिल जाएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस जो फिल्में बनती है उस पर सब्सिडी देने की जरूरत है, और बिहार में जितने भी ऐतिहासिक धरोहर है उसका विकास करने की जरूरत है। फिर विदेशी जब जब लोग आएंगे, स्विट्जरलैंड से मैडम जी आएंगी, तो हमारे बबुआ जो है उनके स्वागत में खड़े रहेंगे। सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या चिरान में तो मंदिर जी पहना के माला खड़ा होगा, पूरा पटना वासी, पूरा पटना सिटी खड़ा होगा। हमारे हमारे बुढ़वा चाचा भी खड़े रहेंगे उनके स्वागत में। अभी तो जमाने के दिन देखा, यह क्या बात कर रहे हैं? क्या ये फोटो? फोटो अभी देखिए, अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनको फोटो ज्यादा जरूरी है, ये चीज है। और अगर नहीं रुकिएगा तो हम आपसे सवाल करेंगे दो चार को कि मोबाइल पे हाथ मार दिए। अरे रुक जाइए 2 मिनट, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। और यहाँ पे देखिए, स्वागत में सिर्फ यही लोग नहीं, बहुत सारे लोग स्वागत में यहाँ पे आए थे, और प्रॉपर तरीके से स्वागत किया गया उन सभी विदेशी मेहमानों का। सुरक्षित तरीके से जो है पटना घुमाया गया, फिर जो है उनको NDRF और SDRF के घेरे में जो है उनको जो है जहाज तक पहुँचाया गया। वहाँ पे 51 दिन के सफर में वो लोग जो है विदेशी मेहमान फिर से निकल गए। तो इस प्रकार का जहाज हो चचिया,
मंत्री जी माला पहना के उनको विदाई किए हैं। अच्छा सुनिए, इस प्रकार का जहाज जो है बिहार से खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए। अगर महंगा है, सपोज हम घूम नहीं सकते हैं, तो कम से कम बिहार से खुलेगा तो बिहार के युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ना? जब मिलेगा जरूर मिलेगा, महंगा कुछ रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा, अब पैसा आएगा तो फिर टिकट का दाम कम होगा। टिकट का दाम बोलेंगे, इस जहाज पर हम भी घूमेंगे। जहाज देखी कि नहीं देखी? देखा ना बोला। हाँ बोलो, हाँ देखे, घूमेंगे। इस शराबबंदी की तरह चुप हो गई है कि कुछ नहीं बोलेंगे, चालू है कि बंद है? रो रही है, रो रही है, डर गई है, डर गई है, देखिए हंस रही है। अच्छा अरे बाबू, जहाज देखी कि नहीं तुम लोग? बताओ 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 बताओ, देखी कि नहीं? देखी। अच्छा उस जहाज पे चढ़ोगे कि नहीं तुम लोग? चढ़ोगे ना, चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे? चढ़ोगे ना, चढ़ोगे ना? तो आओ आओ आओ, मैं बताता हूँ कि कैसे उस जहाज पे चढ़ सकते हो। आओ आओ, पास में आओ, पास में आओ। उस जहाज पे चढ़ने के लिए तुम लोगों को पता है क्या करना होगा? क्या करना होगा बताओ बताओ बताओ? सिर्फ पढ़ाई करना होगा। क्या करना होगा? पढ़ाई। अगर तुम अपना गरीबी दूर करना चाहते हो ना, तो तुमको पढ़ना होगा और ईमानदारी पूर्वक। क्या करना होगा? अगर तुम लोग पढ़ोगे तो उस जहाज पे घूमोगे, अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो उस जहाज पे नहीं घूम पाओगे। तो पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? और आप लोग भी अपने बच्चों को खूब बढ़िया से पढ़ाइए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाइए, ताकि वो जीवन में सफल हो। और जब सफल होगा तो वो इतना बड़ा जहाज में घूमेगा भी और आपको घुमाएगा भी। सही है कि नहीं है? बच्चा को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? हैं। कौन से क्लास में पढ़ता है बच्चा? अभी तो नौवां पढ़ रहा है। नौवां में पढ़ता है। और सबसे ज्यादा खर्चा जो है पढ़ाई पे ही करते होंगे, बच्चे की पढ़ाई पे? तीनों बच्ची है, तीनों बच्ची को पढ़ाते हैं। तीनों बच्ची को पढ़ाते हैं, तीन को बेटी ही है सिर्फ, और तीनों को पढ़ाते हैं। कितना खर्चा हो जाता है? महीना में हम तो लगता है 6,000 रुपया खर्चा हो जाता है। 6,000 रुपया। क्या काम करते हैं आप? वही नाश्ता वाला दुकान है। नाश्ता वाला दुकान है। जरा सोचिए, थोड़ा सा अगर व्यवस्था दिया जाए, सरकारी जो कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, उसमें अगर प्रॉपर व्यवस्था हो जाए तो शायद जो है 5-6 हज़ार रुपया इन लोगों का खर्चा नहीं होगा। और जो कोचिंग का महंगा महंगा फी है वो थोड़ा सस्ता हो जाए तो शायद जो है 5-6 हज़ार के जगह पे जो है 2-3 हज़ार रुपया में ये अपने बच्चों को अच्छे ढंग से। सरकारी में क्या व्यवस्था है? सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं व्यवस्था है? जा नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था है। जो लड़का दिया लापरवाही में बैठा हुआ है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं आ रहा कोई पता नहीं है। समझे? पढ़ाई जो है इसी कमजोर होता है। अगर हम पढ़ा, क्या बोले मैडम लोग बैठ के गप मारती हैं। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, अगर बच्चों को पढ़ाइएगा ना तो आपका बच्चा स्विट्जरलैंड घूमने जाएगा। कहाँ जाएगा? जैसे स्विट्जरलैंड के लोग पढ़े लिखे थे तब ना यहाँ पे आए हैं। वो अनपढ़ होते तो यहाँ पे आते? अनपढ़ होते तो यहाँ पे आते? पढ़े लिखे हैं तब आए हैं। तो आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, अच्छे ढंग से पढ़ाइएगा, तो आपका बच्चा कहाँ घूमने जाएगा? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, ये तीन जगह। ये चचवा में जाए अभी जोश ज्यादा है तो स्विट्जरलैंड। अच्छा, आप कौन से क्लास तक पढ़े? हम तो ग्रेजुएट किए हैं भैया। अच्छा, कितना बच्चा है आपका? दो है। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? बस ईमानदारी पूर्वक पढ़ाइए। और बॉलीवुड वालों, मैं विनती करना चाहता हूं कि एक इस प्रकार से जो स्वागत हम लोग बिहार में लोगों का करते हैं दिल खोल के, और कभी भी कहीं भी किसी भी न्यूज चैनल में आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि बिहार में किसी दूसरे राज्य के लोगों को मारा पीटा गया है आज तक। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ आज तक। इतिहास उठा के देख लेना, कभी नहीं हुआ है। तो एक गाना जो है, एक गाना जो है इस पे भी बनाइए, एक गाना इस पे भी बनाइए। और हाँ, अगर हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था में कमी है तो उस चीज को दिखाइए। हमारे बिहार में अगर सड़कें जर्जर है तो उस चीज को दिखाइए। बेवजह ये मत बोलिए कि आइए ना हमारे बिहार में, यार ठोक देंगे कंटा का पार में, कहीं नहीं तो कहीं गलत बोलते हैं आप लोग। जय हिंद।